एवरी वन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियोबर्स जीनियस डॉक्टर ब्लैक बेली मिस चैप्टर एक हज़ार चार सौ टू एक यंग मिस आज पाँच लोग आ गए और उन सभी के लिए व्यवस्था कर दी गई है ये शाह दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उस दिन के आंकड़े बता रही थी 500 पहले से ही अदिति ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे झुकाकर पूछा शरणार्थी शिविर में कितने बजे हैं लगभग एक हज़ार ये शाह ने पहले से ही शरणार्थी शिविर में लोगों की मूल संख्या पर गौर कर लिया था और क्लियर ब्रीज सिटी ने प्रतिदिन लगभग 300 शरणार्थियों को शहर में आने की अनुमति दी थी जिसमें अमीर व्यापारी भी शामिल थे जिन्होंने रिश्वत देकर उनका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया था कोटा वह यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम था कि प्रतिदिन आने वाले गरीब शरणार्थियों की संख्या तीन से कम होगी जारी रखना अदिति ने सिर हिलाया यंग मिस को रिपोर्ट करना आपके अधीनस्थ ने गुप्त रूप से शरणार्थियों के समूह का पीछा किया था जिन्हें शरणार्थी शिविर से बाहर निकाला गया था और पता चला कि उन सभी को सीधे सिटी लॉर्ड्स मैनर में भेज दिया गया था फिर ये शाह ने कहा जब शरणार्थी सात दिनों तक शहर में रहेंगे तो क्या उन्हें कहीं और जाने की व्यवस्था की जाएगी लेकिन वे वास्तव में कहाँ गए कोई नहीं जानता था ये शाह ने उनका पीछा तब तक किया जब तक वे सिटी लॉर्ड्स मैनर तक नहीं पहुंच गए लेकिन वह इस डर से अंदर नहीं गए कि उन्हें ढूंढ लिया जाएगा फिर वह पूरे दिन दरवाजे के बाहर इंतज़ार करता रहा लेकिन उन शरणार्थियों में से एक को भी बाहर आते नहीं देखा जहां वे सभी सिटी लॉर्ड्स मैनर के अंदर ही रह गए थे येशा ने अदिति को वह सब कुछ बताया जो उसे पता चला था और अदिति ने रिपोर्ट सुनकर थोड़ी भौहें चढ़ा ली ऐसा लग रहा था कि शहर के भगवान के बारे में सचमुच कुछ गड़बड़ है अभी से सिटी लॉर्ड्स मैनर और फॉर्च्यून स्प्रिंग हॉल पर ध्यान देना जारी रखें और यदि आपको कुछ भी अजीब लगे तो सबसे पहले मुझे इसकी सूचना दे अदिति ने कहा हां ये शाह ने उनके आदेशों को स्वीकार किया और पीछे हट गए अदिति की नज़र खिड़की से बाहर देखने के लिए चली गई क्योंकि उसकी आंखों में एक अज्ञात चमक चमक रही थी लोशी हमेशा की तरह काम कर रहा था शरणार्थी शिविर में परोपकारिता फैलाने के लिए अपने कई समर्थकों का नेतृत्व कर रहा था लेकिन अभी उसने थोड़ी देर के लिए ही शरणार्थी में कदम रखा था कि उसे ध्यान आया कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है शरणार्थी शिविर काफी हद तक खाली था और एक समय संकरी और तंग सड़क पर इक्कादुक्का लोग ही घूम रहे थे वे अपने हाथों में अपना छोटा सा सामान लिए हुए थे जिसमें उनका सारा सामान शामिल था और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सुस्ती और दुबलापन गायब हो गया था जिसकी जगह मुस्कुराहट ने ले ली थी यहाँ क्या हुआ लोशी ने पूछा उसकी भौहें तुरंत तन गई वह पिछले दो दिनों से यहाँ नहीं आया था और पूरी जगह इतनी क्यों बदल गई थी जिन शरणार्थियों को उसकी ओर बढ़ना चाहिए था उनमें से आधे से अधिक गायब थे और पूरा शरणार्थी शिविर बहुत अधिक खाली महसूस हो रहा था लोशी हैरान था और उसने अपने साथियों को उन शरणार्थियों से पूछने के लिए कहा जो शिविर छोड़ने वाले थे और उसके साथी जल्द ही वापस भाग गए युवा मास्टर वे लोग शहर के उत्तर की ओर जा रहे हैं परिचालक ने उसे बताया शहर उत्तर लोशी की भौहें हैरानी से एक साथ सिकुड़ गई किस लिए शहर के उत्तर में जाए मैंने सुना है कि कुछ समय पहले किसी ने शहर के उत्तर की जागीर के एक बड़े हिस्से को हड़पने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था और बहुत सारी छोटी छोटी इमारतें बनाने के लिए पूरी जगह को समतल कर दिया था फिर उन्होंने उनका उपयोग शरणार्थियों को मुफ्त आवास और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किया और यही वह जगह है जहां ये शरणार्थी स्थानांतरित हो रहे हैं परिचारक ने सावधानी से कहना शुरू किया लुअर्शी की आंखें गुस्से से चमक उठीं और उन्होंने परिचारक का कॉलर पकड़कर पूछा तुमने क्या कहा वास्तव में कोई इन बदबूदार कीड़ों को बिल्कुल नया आवाज दे रहा है परिचारक ने घूंट भरते हुए हकलाते हुए उत्तर दिया हाँ यह सही है आखिर में क्या कर रहे हैं लुओशी की भौहें चिंताजनक रूप से इकट्ठी हो गई क्या आप जानते हैं कि उत्तरी शहर में हर चीज के पीछे कौन है तुम्हारे नौकर को नहीं मालूम परिचारक ने सिर हिलाते हुए कहा क्या ऐसा हो सकता है कि आदरणीय ने अन्य व्यवस्थाएं की हों लोशी ने मन ही मन बुदबुदाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हम सबसे पहले शहर के उत्तर में जाकर देखेंगे हाँ लोअशी और उसके साथियों को शहर के उत्तरी हिस्से में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जब लोशी ने साफ सुथरी कतारों में छोटी छोटी ऊंची इमारतों की कतारें देखी तो वह खुद को रोक नहीं सका और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखता रहा प्रत्येक इमारत के सामने वर्दी में कई लोग थे जो उन शरणार्थियों का स्वागत कर रहे थे जो अभी-अभी आए थे जाना जाकर पूछे कि यहां का प्रभारी कौन है और उन्हें बताएं कि फॉर्च्यून स्प्रिंग हॉल से लोशी आधिकारिक यात्रा के लिए यहां आए हैं लोशी ने भौंहें चढ़ाते हुए कहा अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर वह जो कुछ इकट्ठा कर सका उससे पता चला कि मचाने इतनी बुरी नहीं थी शरणार्थियों के एक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए इतनी अच्छी जगह मुफ्त में दी गई यह वास्तव में अजीब था सामान्य लोग कभी भी उन शरणार्थियों पर इतना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे और लोशी अनुमान लगा रहे थे कि यह स्थान संभवतः श्रद्धेय द्वारा की गई कुछ व्यवस्थाओं के कारण था चूंकि वे दोनों एक ही स्वामी की सेवा कर रहे थे इसलिए उनका अभिवादन करने के लिए यहां आना अनुचित नहीं होगा लोशी को जरा भी ध्यान नहीं आया कि छतों के खंडों के बीच दूसरी मंजिल की खिड़की से उसके प्रकट होने के क्षण से ही कोई उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था यंग मिस लोशी का कहना है कि वह आपसे मिलना चाहता है ये मैंने कहा वह तेज था अदिति ने नीचे खड़े लोशी को घूरते हुए कहा और उसकी आंखों में अचानक ठंडी चमक आ गई उसे बताओ मैं आज़ाद नहीं हूं इतना कहकर उसने अपनी नज़रें हटा ली और खुद टेबल के पास बैठ गई ये मई ने तुरंत अदिति की बातें लोअशी तक पहुंचाने के लिए किसी को बुला लिया जब लोअशी यहां शहर के उत्तर में उस व्यक्ति से मिलने में असफल रहा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन वास्तव में उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा पूरा क्लियर ब्रीज सिटी लंबे समय तक उनके नियंत्रण में रहा और कोई भी यहां बहुत बड़ी हलचल पैदा नहीं कर सका लेकिन इस तरह अपमानित होने के बाद लोअशी के चेहरे के भाव भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे जाने के बाद वह सीधे फॉर्च्यून स्प्रिंग हॉल में नहीं लौटे बल्कि सिटी लॉर्ड्स मैनर की दिशा में चले गए युवा मास्टर क्या आप सिटी लॉर्ड्स मैनर जा रहे हैं एक परिचर ने उसकी ओर से सावधानी से पूछा चूंकि वह व्यक्ति मिलना नहीं चाहा, तो क्या सिटी लॉर्ड से इसके बारे में नहीं पूछूंगा कि वह व्यक्ति कौन है लोशी ने कहा तब परिचारक ने अपना सिर हिलाया ऐसा लगा जैसे वह समझ गया हो सिटी लॉर्ड्स मैनर के अंदर लोशी मुख्य हॉल में बैठे नौकरों द्वारा दी गई चाय का आनंद ले रहे थे थोड़ी देर के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका पेट बड़ा और गोलमटोल था धक धक करते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अत्यधिक भव्य कपड़े पहने हुए उसके गालों पर मांस फूला हुआ फुसफुसाता हुआ आया और बहुत खुश लग रहा था मेरे भाई लो तुमने आज यहाँ आने के लिए समय कैसे निकाल लिया यह फैटी क्लियर ब्रीज सिटी का स्वामी और परोपकारी और धर्मी व्यक्ति था जिसके बारे में कई शरणार्थी बात करते थे लेकिन उनके शरीर को देखकर उन्हें एक देखभाल करने वाले अधिकारी के रूप में जोड़ना वास्तव में बहुत कठिन था जो देश और इसके लोगों से अंधाधुंध प्यार करता था लोशी ने सिटी लॉर्ड पर नजर डालने के लिए अपनी नजर घुमाई और उसने सावधानी से अपनी जीप पर क्लिक किया उसकी आंखों में घृणा की एक छोटी सी झलक चमकी लेकिन वह तुरंत ढक गई उसने अपनी आस्ती ने झाड़ी और तुरंत विषय पर आकर कहने लगा शहर के उत्तर में जागीर का एक बड़ा हिस्सा किसी ने खरीद लिया था आपको इस बारे में कुछ पता है सिटी लॉर्ड आश्चर्यचकित रह गया उसने सोचा नहीं था कि लोशी इस मामले को लेकर यहां आए थे मुझे उसके बारे में पता है शहर के उत्तरी हिस्से में ज़मीन के लिए उसका इरादा हमेशा उन मूर्खों को बहुत सारे पैसे बेचने का था और वह उनमें से काफी कुछ एक ही बार में बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे काफी भारी मुनाफा हुआ दरअसल मजिस्ट्रेट कार्यालय के बगल में मकान और जागीर बेचने वाली दुकान सिटी लॉर्ड के आदेश के तहत एक व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर खोली गई थी हालांकि ऊपरी तौर पर यह सिटी लॉर्ड के नाम पर नहीं था लेकिन पैसे का एक बड़ा हिस्सा अंतः उसकी जेब में समा जाएगा कुछ समय पहले जब दुकानदार सिटी लॉर्ड के पास हिसाब किताब जमा करने आया था तो सिटी लॉर्ड को जब पता चला कि किसी ने एक ही बार में इतनी सारी जगह खरीद ली है तो उसे बहुत खुशी हुई यह ज्ञात होना चाहिए कि क्लियर ब्रीज सिटी में घरों की कीमतें उस स्तर तक बढ़ गई थी जो फैन देश की शाही राजधानी के बराबर थी और यह कोई छोटी रकम नहीं थी क्या आप जानते हैं कि उन्हें खरीदने वाला व्यक्ति कौन था लोशी ने सिटी लॉर्ड की ओर देखते हुए पूछा वह दुकान की बातों से भली भांति परिचित था मुझे बताया गया कि यह एक अपरिचित युवक था अनुमान लगाया गया कि उसने शहर में आने के लिए पैसे का रास्ता अपनाया आप अचानक इस मामले को लेकर इतने चिंतित क्यों हो गए क्या पूजवर ने कोई निर्देश दिया होगा सिटी लॉर्ड ने पूछा उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे उसका स्वर चिंता से भरा हुआ था लोशी ने कहा आदरणीय केवल यही चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसे जारी रखें और उस पहलू में कुछ भी ज्यादा नहीं बदला है आज मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि वह शहर के उत्तर में स्थित जागिरे हैं क्या आप जानते हैं कि शहर के उत्तरी भाग में उन सभी घरों का उपयोग उस युवा ने शरणार्थियों को रखने के लिए किया है वाह क्या कहा आपने जब आपने उन शरणार्थियों को घर देने की बात कही तो आपका क्या मतलब है सिटी लॉर्ड ने लोशी की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा जिस क्षण लोशी ने सिटी लॉर्ड की प्रतिक्रिया देखी उन्हें पता चल गया कि सिटी लॉर्ड को इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता था लोशी की भौहें तन गई और उसे लगने लगा कि चीज़ें कुछ अजीब हो रही हैं। यदि उन घरों को किसी ने श्रद्धे के निर्देशों के तहत बनाया था तो यह मान लेना उचित होगा कि उन्हें और सिटी लॉर्ड को कम से कम इसके बारे में एक शब्द बताया जाएगा क्योंकि वे दोनों क्लियर ब्रीज सिटी में सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे इस सब के बाद स्थिति बिना किसी बड़ी बाधा के स्थिर रही किसी युवा का अचानक इस तरह सामने आना अजीब लगेगा उस व्यक्ति ने जागीर खरीदने के बाद उन्हें पूरी तरह से समतल करके कई छोटी छोटी कोठरियां बना ली जिससे शरणार्थियों को वहां स्थानांतरित किया जा सके मैंने सुना है कि उन्होंने न केवल मुफ्त आवाज़ उपलब्ध कराया है बल्कि भोजन और पेय के लिए भी शुल्क नहीं लेते हैं लोशी ने सिटी लॉर्ड की ओर देखते हुए उससे कहा सिटी लॉर्ड का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया इन सबके पीछे वह व्यक्ति कौन है जिन शरणार्थियों को मैंने शहर में आने की अनुमति दी उनमें अधिकतर बुज़ुर्ग और छोटे बच्चों वाली महिलाएं थी और ज्यादातर लोगों को उनके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी अगर उनके जैसे कूड़े के ढेर को सड़कों पर फेंक दिया जाए तो वे भिखारियों से अलग नहीं होंगे तो वास्तव में उनके लिए यह सब कौन करेगा सिटी लॉर्ड ने एक क्षण रुककर कहा क्या यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आदरणीय लाया गया हो क्या पूजवर ने कोई और योजना बनाई होगी लोशी ने फिर अपना सिर हिलाया और कहा मुझे भी यकीन नहीं है मैं वास्तव में आज उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश करने के इरादे से वहां गया था लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो सकी क्लियर बी सिटी में सभी जागीरें उन लोगों द्वारा बेची जाती हैं जिन्हें आपने निजी तौर पर व्यवस्थित किया है और आपके लोगों को कम से कम यह पता होना चाहिए कि खरीदार किस तरह का व्यक्ति है है ना लोशी के उस अनुस्मारक के साथ सिटी लॉर्ड को तुरंत इसका एहसास हुआ और उसने तुरंत दुकानदार को यहाँ लाने के लिए लोगों को भेजा जब दुकानदार ने सिटी लॉर्ड को देखा तो वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और भव्य रूप से साष्टांग प्रणाम किया उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई आज आपके नौकर को यहाँ आने के लिए कहने से शहर के भगवान ने क्या निर्देश दिया है दुकानदार ने थोड़ा घराते हुए पूछा कुछ समय पहले जो युवक दुकान पर आया और बड़ी संख्या में जागीर खरीदी क्या आप उसकी पहचान के बारे में कुछ जानते हैं श्री लॉर्ड ने अपने चेहरे पर गहरे भाव लाते हुए पूछा जब दुकानदार ने शुरू में उसे इस मामले की सूचना दी थी तो उसने इसे केवल एक बेवकूफ के रूप में माना था जो स्वर्ग से गिर गया था जिसने सोने का पूरा भार उसकी गोद में गिरा दिया था और युवक की पहचान के बारे में नहीं पूछा था केवल इसे कुछ अत्यधिक कहकर टाल दिया था अमीर शरणार्थी जो किसी जगह से भाग गया था लेकिन आज लोशी ने जो कहा उसे सुनने के बाद सिटी लॉर्ड को अंतर एहसास हुआ कि खरीदार इतना सरल व्यक्ति नहीं हो सकता था अन्यथा कोई यह कैसे समझा सकता है कि एक युवक इतनी सारी जागीर खरीदने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों खर्च करेगा और खुद उनमें नहीं रहेगा बल्कि उन्हें पूरी तरह से बेकार शरणार्थियों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगा अदिति के साथ हुई घटना के बारे में पूछेंगे और मूल रूप से उनका इरादा इस विषय पर हल्के से बात करने का था लेकिन सिटी लॉर्ड के चेहरे पर काली छाया देखकर उसके पास थोड़ी कापती आवाज में अदिति के प्रकट होने से लेकर जागीर ख़रीदने तक जो कुछ भी हुआ था और कैसे वह निर्माण के लिए बिल्डरों को ढूंढने गई थी सब कुछ बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था किसी भी विवरण को छोड़े बिना वह सब कुछ प्रकट कर दिया जो वह जानता था ग्राहक ने शुरू में कहा था कि वह जागीर के पुनर्निर्माण के लिए लोगों को ढूंढना चाहता था और आपके नौकर ने भी सोचा था कि यह अजीब लग रहा था जिज्ञासावश आपके नौकर ने ग्राहक से इस बारे में कई बार पूछा भी था लेकिन ग्राहक का व्यक्तित्व बेहद ठंडा था और उसने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद क्या हुआ यह मुझे नहीं मालूम आप जो कह रहे हैं उस व्यक्ति का शुरू से ही ऐसा करने का इरादा था श्री लॉर्ड ने दुकानदार को बर्खास्त करने से पहले गहरी सोच में डूबते हुए अपनी भाहें सिकोड़ते हुए पूछा जागीर खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना और फिर शरणार्थियों के लिए आवास के रूप में उन्हें पूरी तरह से पुनर्निर्माण करने का प्रयास करना इस व्यक्ति का उद्देश्य निश्चित रूप से कुछ भी हो लेकिन निर्दोष है सिटी लॉर्ड ने सोच समझ कर टिप्पणी की लोशी के मुंह के कोने एक उपहास के निशान के साथ मुड़ गए मुझे नहीं पता कि उसके इरादे क्या है लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैं अभी निश्चित हो सकता हूँ यह क्या है सिटी लॉर्ड ने जल्दी से पूछा लोशी ने ठंडी खर्राटे के साथ कहा वह व्यक्ति श्रद्धेय व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है आप कैसे निश्चित हो सकते हैं सिटी लॉर्ड ने थोड़ा भ्रमित होकर पूछा लोशी ने सिटी लॉर्ड पर एक नज़र डाली और उसकी आंखों में थोड़ी देर के लिए तिरस्कार की भावना चमक उठी लेकिन वह इसे अच्छी तरह से ढकने में सक्षम था सरल पूज्य व्यक्ति कितना शक्तिशाली है और क्लियर ब्रीज सिटी अब पहले से ही आपके और मेरे नियंत्रण में है यदि श्रद्धेय व्यक्ति कुछ करना चाहता था तो जागीर खरीदने के लिए किसी को इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के लिए उसे इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी यदि आदरणीय उन्हें चाहते तो वे इतना सारा सोना खर्च करने के बजाय आपको इसे संभालने के लिए कह सकते थे अदिति ने उन जागीरों पर जो धन खर्च किया था वह वास्तव में कोई छोटी राशि नहीं थी इसके अलावा एक और बात है आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि पूज्य व्यक्ति ने हमसे उन शरणार्थियों को शहर में आने देने के लिए क्यों कहा अब शरणार्थियों को प्रदान की जाने वाली इस प्रकार की शर्तों के साथ क्या यह श्रद्धे के इरादों के विरुद्ध नहीं जाएगा मुझे यह न बताएं कि श्रद्धे वास्तव में शरणार्थियों को कहीं और जहर देकर मरने से पहले तब तक पालना चाहते हैं जब तक मैं मजबूत और स्वस्थ न हो जाए लोशी का दिमाग एक पल में ही साफ हो गया था वह नहीं जानता था कि अदिति ने पहले उन जागीरों को खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की थी और जब उसने दुकानदार को पहले आंकड़े का उल्लेख करते हुए सुना तो उसे बहुत झटका लगा इससे उसे लगभग निश्चित हो गया था कि शहर के उत्तर में जो व्यक्ति था वह किसी पूज्य व्यक्ति द्वारा यहां भेजा गया व्यक्ति नहीं था धत तेरी की यदि उस व्यक्ति को पूज्य व्यक्ति ने यहाँ नहीं भेजा है तो वह व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है सिटी लॉर्ड ने अत्यधिक हताश होकर कहा लोशी ने सिर हिलाया वह उस बिंदु को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं था क्योंकि दूसरा पक्ष अब केवल शरणार्थियों के लिए आवास प्रदान कर रहा था और इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया था क्यों नहीं फिलहाल उस व्यक्ति को यह काम जारी रखने दीजिए आखिरकार शरणार्थियों के लिए आवश्यक दैनिक व्यय कोई मामूली रकम नहीं है चूंकि वह उन शरणार्थियों के पालन पोषण में हमारी मदद करने को तैयार है क्या यह अच्छा नहीं है कि हम कुछ खर्च बचा पाएंगे सिटी लॉर्ड की चालाक चाल उसके चेहरे पर स्पष्ट थी उसकी आंखें स्पष्ट लालच को छिपाने में असमर्थ थी लोहशी ने घृणा से चिल्लाया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई यह सिर्फ इच्छाधारी सोच है वे शरणार्थी आमतौर पर प्रतिदिन जो खाते हैं वह बस कुछ रोटी होती है इसकी कीमत आपको कितनी होगी श्रद्धे ने आपसे हर रोज छोटे बच्चों वाली 300 बुजुर्ग और कमजोर महिलाओं को शहर में आने की अनुमति देने के लिए कहा था लेकिन आप गुप्त रूप से अपने लोगों से उन अमीर व्यापारियों को बिना किसी कारण के शहर में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए रिश्वत लेने के लिए कह रहे हैं जिसमें काफी खर्च होता है कोटा क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आदरणीय इन सब बातों से अनभिज्ञ है सिटी लॉर्ड का दिल जोर से धड़क उठा अमीर व्यापारियों को अनुमति देना एक निजी निर्णय था जो उसने श्रद्धेय व्यक्ति की पीठ पीछे गुप्त रूप से लिया था और जब सिटी लॉर्ड ने सोचा कि श्रद्धेय व्यक्ति के पास किस प्रकार की शक्ति है तो उसकी पीठ तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई युवा मास्टर लो देखो देखो तुम क्या कह रहे हो सिटी लॉर्ड ने जबरदस्त हंसी के साथ कहा हाँ हाँ मैं आपको बता दूं आदरणीय व्यक्ति बहुत स्पष्ट रूप से जानता है कि आपके मन में किस प्रकार के झुकाव है लेकिन वह सिर्फ उन पर नजर बंद करना चाहता है और आपको कुछ मौद्रिक लाभ कमाने की अनुमति देना चाहता है लेकिन यदि आप श्रद्धे की योजनाओं में गड़बड़ी करने का साहस करते हैं तो परिणाम ऐसे नहीं होंगे जिन्हें आप सहन नहीं कर पाएंगे श्रद्धे चाहते हैं कि वे कमजोर और बीमार बूढ़े लोग शरणार्थी शिविर में ही रहे और जीवित रहे यदि उन्हें अच्छी तरह से खाना पीना दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी उन्हें नियंत्रित करना आसान होगा बेहतर होगा कि आप यह विचार अपने तक ही रखें यह एक हजार शरणार्थियों से थोड़ा ही अधिक है और आप उस थोड़े से पैसे पर भी कब्जा करना चाहते हैं क्या तुम सच में जीने से थक गए हो लोशी सिटी लॉर्ड की पैसे के प्रति अतृप्त लालसा को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और यदि उसके पास क्लियर ब्रीज सिटी के लॉर्ड की उपाधि नहीं होती तो लोशी उसके जैसे व्यक्ति के साथ घुलने मिलने का विकल्प नहीं चुनता लोशी द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद सिटी लॉर्ड का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया इस मामले के संबंध में मैं इससे निपटने के लिए इसे आप पर छोड़ रहा हूँ यदि आप इसे अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं तो आप इसे स्वयं पूज्य व्यक्ति को समझा सकते हैं मत भूलो यह तुम्हारे गुर्गे ही थे जिन्होंने उस युवक को वह जागीर बेची थी लोशी तुरंत खड़ा हो गया और इतना कहने के बाद चला गया और सिटी लॉर्ड की जागीर में एक पल भी रुकने की इच्छा नहीं रखता था सिटी लॉर्ड के चेहरे का रंग बेहद बदसूरत हो गया था लेकिन जब उसने लोशी को दरवाज़े से बाहर देखा तो वह फिर भी जबरन मुस्कुरा रहा था लोअ शी का मुख्य पैर अभी अभी बाहर निकला था और चिल्लाते हुए सिटी लॉर्ड अब खुद को रोक नहीं सका वह किस कुत्ते के पादने के खेल के बारे में सोचता है कि वह क्या करता है सिर्फ इसलिए कि वह श्रद्धेय व्यक्ति के थोड़ा करीब है और वह सोचता है कि वह यहाँ पर प्रभाव डालता है क्या उसे नजर उठाकर नहीं देखना चाहिए कि वह स्वयं क्या है यदि आपके पीछे श्रद्धेय व्यक्ति न हो तो यह भगवान आपके जीवन को खम करने के कई तरीके जानता है सिटी लॉर्ड को इतना क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है लोशी केवल श्रद्धे के चरणों में एक कुत्ता मात्र है और सिटी लॉर्ड केवल श्रद्धे को चेहरा दे रहा है बस इतना ही बगल में खड़ा एक नौकर तुरंत फुरत में कहने के लिए तेजी से आगे बढ़ा हम्फ मैं उसके जैसे पाखंडी पर गुस्सा होने से परेशान नहीं हो सकता सिटी लॉर्ड ने दांत पीसते हुए कहा मुझे उस कमीने ने से परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन पूज्य व्यक्ति ने हमें जो करने का निर्देश दिया है उसमें देरी नहीं की जानी चाहिए शहर के उत्तर में उस स्थान को इस तरह अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए अन्यथा श्रद्धेय को इसके बारे में समझाना मुश्किल हो जाएगा सिटी लॉर्ड की नज़रें घूम गई और उसने नौकर को अपनी तरफ इशारा किया आपने बताया कि शहर के उत्तर में मकानों के समूह को सात मंजिल ऊंची अट्टालिकाओं में बनाया गया है उन्होंने ऐसा किया आपका नौकर भी गुप्त रूप से झाँकने गया था और वे काफी दिलचस्प थे जो चीज़ें उन्होंने अंदर रखी है वे भी उचित लेआउट के साथ बहुत खराब नहीं है बस यह उन घरों से थोड़ा अलग है जिन्हें हम देखने के आदि हैं। मैंने शहर में कई लोगों को यह पूछते हुए भी सुना था कि वे छते कहाँ हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने लोगों का काफी ध्यान आकर्षित किया है सिटी लॉर्ड ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा और उसका दिमाग घूमने लगा उन मचानों की निर्माण लागत सस्ती नहीं थी और अगर वह लोगों से इन्हें बनवाता तो इससे उसकी जेब पर काफी असर पड़ता लेकिन अगर मचान पर जबरन कब्जा करके सफेद भेड़िए को नंगे हाथों से फंसाने में कामयाब हो सके तो यह पूरी तरह से अलग बात होगी क्योंकि शहर के उत्तर में युवाओं ने श्रद्धेय की योजनाओं को बाधित कर दिया है तो क्लियर ब्रीज सिटी के भगवान के रूप में मैं आराम से नहीं बैठ सकता और इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि श्रद्धेय की चिंता को हल करना ही मुझे करना चाहिए सिटी लॉर्ड ने कहा और उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई फिर उसने नौकर की ओर उंगली घुमाकर उसे इशारा किया शहर के उत्तर में पल रहे उस जंगली बच्चे को अच्छा सबक सिखाने के लिए कुछ लोगों को लाओ उसे बताएं कि अगर वह क्लियर ब्रीज सिटी में रहना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह अच्छा बनना सीख ले सिटी लॉर्ड ने भयावह स्वर में कहा ठीक है एक और बात कार्य पूरा करते समय सावधान रहें उन मचानों को नुकसान न पहुँचाएं वह जगह उन शरणार्थियों के रहने के लिए नहीं है सिटी लॉर्ड ने हंसते हुए कहा हे प्रभु आप निश्चिंत हो सकते हैं आपने मुझे जो काम सौंपा है आपका सेवक उसे ठीक से पूरा करेगा इतना कहने के तुरंत बाद नौकर सिटी लॉर्ड की जागीर से बाहर चला गया सिटी लॉर्ड थोड़ी देर तक हॉल में प्रसन्नतापूर्वक खड़ा रहा फिर उसने अपने थुलथुल -थुल पेट पर हाथ फेरा और धुन बजाते हुए अपने कमरे में वापस चला गया शहर के उत्तर में एक मचान इकाई के अंदर अदिति जून भू के साथ मेज पर बैठकर चाय पी रही थी तभी ये शाह चुपचाप उन दोनों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दी यंग मिस को रिपोर्ट करते हुए लोशी के आज यहां से चले जाने के बाद वह सिटी लॉर्ड्स जागीर में गए और जाने से पहले कुछ देर वहां रुके ये शाह ने लोशी और सिटी लॉर्ड की गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए अदिति के निर्देशों का पालन करते हुए रिपोर्ट दी जब उसे पता चला कि दोनों संपर्क में आए हैं तो वह तुरंत अदिति को इसकी सूचना देने के लिए लौट आया था ओह अदिति ने भौहें तेरी करके कहा यंग मिस क्या आप चाहती है कि मैं उन्हें आपके लिए इकट्ठा कर दूं ये शाह ने पूछा अदिति ने सिर हिलाकर कहा कोई जरूरत नहीं वे अपने आप को सीधे मेरे हाथ में सौंप देंगे ये शाह अभी भी थोड़ी उलझन में थी लेकिन अदिति की आवाज के कुछ ही क्षण बाद ये मेरे दरवाजे से अंदर चली आई यंग मिस पुरुषों का एक समूह नीचे दिखाई दिया है अदिति की आंखें ऊपर उठीन और उसकी आंखों में एहसास चमक उठा चूहो ने चलना शुरू कर दिया है शहर के उत्तर में ऊंची इमारतों के बीच असभ्य और असभ्य दिखने वाले पुरुषों का एक समूह अचानक प्रकट हो गया था उनके शरीर सुख्थित थे और चेहरे भयंकर थे वे बेहद डराने वाले थे और ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती जो शरणार्थी हाल ही में छतों पर आए थे वे सभी भयभीत हो गए जब उन्होंने इन साहसी लोगों को प्रकट होते देखा हट्टे कट्टे लोगों के समूह के नेता ने करीने से बनी अट्टालिकाओं को देखा और उसके मुंह पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई उसने अपनी उंगली उठाई और एक बुजुर्ग महिला की ओर इशारा किया जो अपने पोते को छत पर ले जा रही थी और कहा आ वह पुराना वाला इसी क्षण यहाँ आओ बुढ़िया की उम्र पचास से अधिक हो चुकी थी और जीवन की मार ने उसकी कमर को झुका दिया था वह पतली और छोटी थी उसके सिर के किनारों पर बाल सफेद थे अचानक उस हठीले आदमी द्वारा चिल्लाए जाने पर उसके चेहरे का सारा रंग तुरंत उड़ गया और उसने डर के मारे अपने पोते को पकड़ लिया और वहाँ उन पुरुषों के समूह की ओर मुड़ गई जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे उनका कोई भला नहीं हुआ हो वृद्ध महिला उन लोगों को देख कर काम उठी उसकी याचना भरी आंखें अवचेतन रूप से अन्य शरणार्थियों की ओर देख रही थी जो बहुत दूर नहीं खड़े थे लेकिन वे सभी अन्य शरणार्थी ज्यादातर उसकी तरह उम्र में काफी बूढ़े लोग और कुछ कमजोर और असहाय महिलाएं थी वे अपना बचाव करने में भी असमर्थ थे तो हस्तक्षेप करने का साहस कैसे करते उन्होंने बुढ़िया की नजरों से बचने की कोशिश करते हुए बस अपनी आंखें घुमा ली क्या तुम बहरे हो मैंने आपसे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने के लिए कहा था क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते क्या मुझे वहां जाकर आपको आने के लिए आमंत्रित करना होगा वह साहसी व्यक्ति अपने चेहरे पर क्रोध भरी शिकन के साथ अधीरता से चिल्लाया उसने अपने बगल के लोगों को आंखों से इशारा किया और उनमें से दो तुरंत बुढ़िया की ओर चले उसे जबरन वहां खींचने के लिए क्या आप क्या करने जा रहे हैं बुढ़िया का ताकतवर लोगों से कोई मुकाबला नहीं था वह अपने पोते को बचाने के लिए लड़ी लेकिन उन दोनों को उन दो लोगों ने खींच लिया पुरुषों के नेता ने अत्यधिक घराई हुई वृद्ध महिला को तिरस्कार पूर्वक देखा और अमृत स्वर में कहा आप अभी कहा जा रहे थे बुढ़िया ने अपने पोते को सुरक्षात्मक रूप से अपनी बाहों में पकड़ लिया और सावधानी से कहा एच घर घर उस आदमी की भौहें चिंताजनक रूप से ऊपर उठीन और उसने अपनी नाक को भींचते हुए अपनी आंखों से बुढ़िया की ओर देखते हुए कहा आप कह रहे हैं कि आपका घर इन अट्टारिगा के भीतर है बुढ़िया ने जोर से निगल लिया और झिझक से सिर हिलाया वह अपना मुंह खोलने ही वाली थी और उसने आवाज भी नहीं निकाली थी कि तभी उस आदमी ने उसके कूलों पर लात मारी जिससे वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी सुनो तुम बूढ़े दीर्घायु आपसे किसने कहा कि यह स्थान आपका घर है आप पेशाब करके उसमें अपने आप को क्यों नहीं देखते क्या आप जैसे भिखारी को भी इतने अच्छे घर में रहने का अधिकार है आदमी ने कठोरता से कहा इतना जोरदार झटका लगने के बाद बूढ़ी औरत लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसमें उठने की ताकत नहीं बची थी उसका पहले से ही कमजोर शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह जमीन पर कांपते हुए ढेर में गिर जाएगा छोटा बच्चा जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और अपनी दादी की ओर देख रहा था और उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे उनकी आंखों के सामने जो दृश्य सामने आ रहा था उससे आसपास जमा अन्य शरणार्थियों के दिल दहल गए उनके सीने में डर और बेचैनी फैल गई उनमें वृद्ध महिला की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और वे केवल उन बदमाशों को उनके घिनौने तरीकों से आगे बढ़ते हुए देख सके दादी दादी बच्चा घुट घुट कर चिल्लाया लेकिन बुढ़िया केवल धीरे से करा ही सकी साहसी लोगों ने उसकी नजर अपने चारों ओर भयभीत शरणार्थियों पर डाली और उसका दिल खुशी से भर गया उसने बच्चे को पैर से दूर फेंक दिया और बुढ़िया की जान पर बेरहमी से पैर पटका उस कठोर ठहाके से एक तेजतरार आवाज आई और बुढ़िया के मुंह से एक करुण विलाप निकल गया वह विलाप कानों को बहुत चुभने वाला था बिजली के झटके की तरह जो एकत्रित दर्शकों के दिलों पर गिर गया तुम बूढ़े हो मैं आपको बता दूं। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप जैसे कूड़े के टुकड़े रह सके यदि आप यही रहना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दस टन चांदी वह आदमी चिल्लाया जब उसने अपने चारों ओर भयभीत शरणार्थियों पर नजर डाली दस टन चांदी सभी शरणार्थी अवाक रह गए वे अपने शरीर से एक तांबा भी नहीं निकाल सके पूरे दस टन चांदी तो क्या वे भी नहीं निकाल सके सभी शरणार्थी पूरी तरह से स्तब्ध थे वे अपने शरीर से दस टन चांदी तो क्या एक तांबा भी नहीं निकाल पाएंगे और उन्हें इसका भुगतान दिन में एक बार भी करना पड़ता था अगर उन्होंने खुद को बेच भी दिया तब भी उनके पास इतना पैसा नहीं होगा इस बेहद शांत और साफ जगह पर आने में कामयाब होने के बाद शरणार्थियों ने सोचा था कि वे अंतर शांति से रह सकते हैं उन्होंने कैसे सोचा होगा कि उनका ऐसी चीज़ से सामना होगा लेकिन क्या उन्होंने हमें पहले ही नहीं बताया कोई आरोप नहीं है एक बच्चे ने जो अभी काफी छोटा था उस शंका के बारे में बताया जो हर किसी के मन में थी उस बच्चे ने अभी ये शब्द बोले ही थे कि एक महिला ने पीछे से बच्चे के मुंह को पकड़ने के लिए तेजी से अपना हाथ बढ़ाया लेकिन वो भोली और मासूम बातें ठग के कानों तक पहुंच चुकी थी और उसकी नजर तुरंत उस बच्चे पर पड़ी बच्चे की माँ ठंडे पसीने से लतपत हो गई और ठग से दया की गुहार लगाने के लिए तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी हे भगवान बच्चा अज्ञानी है इसलिए कृपया उससे नाराज न हो भले ही बच्चा अज्ञानी हो मुझे यह मत बताइए कि उसकी माँ होने के नाते आप भी उतनी ही अज्ञानी है थग ने उस महिला की ओर घूरते हुए पूछा जो बुरी तरह पीली पड़ गई थी तुम दोनों को कम से कम दो तीन दिन पहले ही यहाँ रुकना चाहिए था ना तो क्या आपको पहले से ही बकाया पैसे का भुगतान नहीं कर देना चाहिए यह देखते हुए कि आप इतने छोटे बच्चे के साथ अकेले हैं मैं आपसे इतना अधिक शुल्क नहीं लूंगा दो लोगों के लिए बस दो दिन और मैं आप दोनों के लिए इसे चालीस टन बना दूंगा चालीस टेल्स के लिए महिला पूरी तरह से घबरा गई जब जहरीले लोगों ने हमला किया था तो उसके पति की मौत हो गई थी और वह अपने छोटे बच्चे के साथ यहां तक भाग निकली थी इस यात्रा में उन्होंने अपनी सारी बचत खत्म कर दी थी और उनके लिए चालीस टेल बहुत बड़ी संख्या थी वह विनती करते हुए जोर से चिल्लाई हे भगवान मेरे पास सचमुच पैसे नहीं है सच में ठग ने महिला के आतंक के नीचे छिपे सुंदर चेहरे को बुरी नजर से देखा महिला का आकार छोटा था और हालांकि वह पहले से ही माथी फिर भी वह काफी आकर्षक थी ठग ने एक कदम आगे बढ़कर महिला के चेहरे पर हाथ लगाया पैसे नहीं है वह अभी भी ठीक है यदि वास्तव में आपके पास पैसा नहीं है तो अपने शरीर से भी भुगतान करना ठीक है महिला की आंखें पूरी तरह अविश्वास में फैल गई लेकिन इससे पहले कि वह चिल्ला पाती ठग ने उसे ऊपर खींच लिया और जबरन उसे अपने आलिंगन में बंद कर लिया और उसे हर जगह से छूने लगा जोर जोर से संघर्ष करने पर महिला के मुंह से करुण चीखें निकल गई लेकिन उसकी छोटी ताकत थग की मजबूत मांसल भुजाओं से कैसे मेल खा सकती थी महिला की आंखों से मटर के दाने के बराबर आंसू बह निकले वह ठग को रोकने के लिए विनती करती रही और आसपास के शरणार्थियों से उसे बचाने की गुहार लगाती रही लेकिन शरणार्थी किनारे पर खड़े रहे चुप रहना पसंद किया अपनी आंखें छिपाने के लिए एक एक करके अपनी नजरें हटा ली देखने में असमर्थ रहे मेरी माँ को जाने दो तुम बुरे आदमी हो मेरी माँ को जाने दो जब युवा और मासूम बच्चे ने देखा कि उसकी माँ को धमकाया जा रहा है तो वह ठग पर झपटा जैसे पागल हो गया हो और उस आदमी की बाह पर काटने लगा हो दर्द के कारण ठग ने तुरंत अपनी पकड़ छोड़ दी तेरी की आप बव्वा तुमने मुझे काटने की हिम्मत की पुरुषों मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे को यही पीट पीट कर मार डाला जाए और उस औरत को वेशालय में बेच दिया जाए यहाँ आप सभी लोग मेरी बात सुनते हैं और अच्छा सुनते हैं यदि तुम आज अपना बकाया नहीं चुकाओगे तो तुम में से कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा ठग गुस्से में जोर से चिल्लाया नेता के पीछे के कई हट्टे कट्टे आदमी तुरंत गरीब माँ और बच्चे की ओर लपके हालांकि ठीक उसी समय जब वे लोग माँ और बच्चे को पकड़ने ही वाले थे अचानक बिजली की तरह चमकती हुई एक आकृति उनके ठीक सामने आ गई प्रकाश की एक अजीब सी लकीर जो चमकती हुई गुजर गई जो लोग आगे बढ़े थे उन सभी को एक पल में एक शक्तिशाली बल द्वारा पीछे की ओर उड़ते हुए भेज दिया गया वो कौन है ठगों के नेता ने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को उड़ते हुए देखा और उसकी आंखें तुरंत नवागंतुक पर टिक गई माँ और बच्चे की जोड़ी के ठीक सामने जो एक दूसरे को गले लगा रहे थे एक छोटी सी आकृति गर्व से सीधी खड़ी थी यह अत्यंत आकर्षक चेहरे वाला एक युवक था साधारण और मोटे भांग के कपड़े पहने हुए वह सामान्य लग रहा था लेकिन उसकी आंखों की जोड़ी के कारण किसी की भी हड्डियों में सहन दौड़ जाती थी ठंडा लेकिन पानी जैसा साफ ठग ने उस युवक को असमंजस की दृष्टि से देखा जो अचानक सामने आया था और उसके हुए का अनुमान लगा रहा था यह देखकर कि उसने कच्चे कपड़े पहने हुए थे उसने अनुमान लगाया कि वह कोई शरणार्थी ही है जो वहां रह रहा है यह कमीना बच्चा कहाँ से आ गया आप जीने से थक गए होंगे मेरी मस्ती में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें किसी भी क्षण यहां से भगा सकता हूं धक तेरी की अदिति ने चुपचाप चिल्लाते हुए उस आदमी को देखा उसकी ठंडी नज़र धीरे धीरे उस बच्चे की आकृति पर जा रही थी जिसने रोने के कारण अपनी आवाज़ खो दी थी और बूढ़ी औरत थक के पीछे जमीन पर गिर पड़ी थी ठंडी और बर्फीली आंखों की वह जोड़ी फिर हत्या से भर उठी छोटे कमीने बच्चे आपका स्वामी आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ क्या तुम्हारे शापित कान मुझे सुनते हैं अदिति की ओर घूरते हुए ठक चिल्लाया यह देखकर कि यह तो एक दुबला दुबलापतला और कमजोर दिखने वाला युवक था उसका आचरण और भी अहंकारी हो गया अदिति के पीछे ज़मीन पर गिरी महिला सिसकने लगी और उसने अपने बच्चे को कसकर गले लगा लिया अदिति की पीठ को देखते हुए भीख मांग रही थी हालांकि वह जानती थी कि यह सिर्फ एक युवा युवक था जो उसकी आंखों के सामने खड़ा था उसके पास इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं था अदिति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और केवल अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने क्रूर दिखने वाले थक को घूर कर देखा लानत है तुम पर क्या उस बच्चे को मेरे लिए मार डाला गया है मैं देखना चाहता हूं कि और कौन अब और परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा थक बुरी तरह से चिल्लाया और ऊंचे ऊंचे आदमी तुरंत छोटी कद की अदिति पर झपट पड़े हालांकि उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सभी को सदमे में डाल दिया इससे पहले कि जो आदमी अदिति की ओर छलांग लगा रहा था उनमें से कोई भी उसके करीब पहुंच पाता अदिति के हाथ से बैंगनी रंग की स्पिरिट लाइट की कई धारियां छूट गई बैंगनी रंग की स्पिरिट लाइट हवा में कई तेज ब्लेडों में बदल गई और तुरंत ऊंचे लोगों के हृदय मेरिडियन को भेदने लगी अचानक पांच हृष्टपुष्ट आदमी जमीन पर बेजान होकर लेट गए उनकी छाती पर खून के रंग का एक लाल रंग का फूल खिल रहा था पलक झपकते ही पांच हृष्टपुष्ट और हृष्टपुष्ट पुरुषों की जान चली गई वह ठग जो शुरू में अत्यधिक अहंकारी था अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर विस्फारित मुंह से घूरता रहा जिस बात ने उसे और भी चकित कर दिया वह यह थी कि अदिति के शरीर के चारों ओर बैंगनी आत्मा की शानदार चमक थी एक बैंगनी आत्मा इस आधे विकसित छोटे पिप्सक्वीक में वास्तव में पौराणिक पर्पल स्पिरिट मौजूद है वह कैसे संभव हो सकता है तभी अचानक थक की रीढ़ की हड्डी खिंच गई जैसे उसके चेहरे का अहंकार तुरंत टूट गया अदिति के शरीर के चारों ओर बैंगनी आत्मा की चमक घूमती देखी वे पूरी तरह से विश्वास करने में असमर्थ थे कि वे उनके सामने क्या देख रहे थे कि बैंगनी आत्मा जो पिछले सौ वर्षों से विलुप्त थी वास्तव में उनकी आंखों के सामने एक बार फिर से प्रकट होगी अदिति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई उसने खून से लथपथ शवों पर एक नजर भी नहीं डाली खून की घनी दुर्गंध आसपास की हवा में फैल गई वह गंध उसके सीने के अंदर जल रहे प्रचंड क्रोध को और भी अधिक भड़का रही थी कौन असल में तुम कौन हो ठग घबरा गया उसे पीट पीट कर मार डालो और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह कमजोर और कमजोर दिखने वाला युवक वास्तव में एक बैंगनी आत्मा होगी जो केवल किंवदंतियों में मौजूद थी बैंगनी आत्मा के प्रकाश में पहले का सारा अहंकार और शालीनता पूरी तरह से जलकर राख हो गई अदिति ने ठक को घूते हुए अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया तुम यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आए हो और तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ अदिति की शक्ल देखते ही जोर से घूंट पी उसके दिमाग में अचानक याद आया कि जिस व्यक्ति ने शुरू में ये जागीरें खरीदी थी वह बिल्कुल ऐसे ही नाज़ुक नैनंश वाला एक युवा युवक था यह आप है आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने यह पूरी जगह खरीदी है ठग आश्चर्यचकित होकर बोला ठग के तेज उद्घोष ने सभी शरणार्थियों को युवा अदिति को घूरने पर मजबूर कर दिया वे पहले से ही कुछ दिनों से यहां रह रहे थे लेकिन अभी भी नहीं जानते थे कि किसने इतनी उदारता से उन्हें इतना आरामदायक वातावरण प्रदान किया था उन्होंने एक बार सोचा था कि यह शहर का भगवान हो सकता है या यह महान परोपकारी हो सकता है लेकिन उन्होंने एक बार भी इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि उन्हें यह सब प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वास्तव में ऐसा होगा एक जवान छोटा लड़का। अच्छा कहते हुए अदिति की आंखें झुक गई इस तरह तो तुम यह जानकर मर ही जाओगे अदिति की बातें खम ही हुई थी कि उसकी आकृति एक पल में उस स्थान से गायब हो गई जहां वह खड़ी थी थग और उसके अन्य साथी पूरी तरह से भयभीत होकर चिल्लाने लगे और तुरंत पूरी तरह से त्याग कर भागने के लिए अपने पैर उठा लिए हालांकि उनके पास पहले से ही भागने का एक भी मौका नहीं था अदिति की आकृति बिल्कुल शैतान के बैंड ने धारीदार रूप की तरह थी जो बिजली की गति से उन सभी पर उतर रही थी जो भागने की कोशिश कर रहे बदमाशों के समूह के बीच से निकल रही थी बैंडनी चमकती लकीर जहां भी चमकती थी वहां विनाश ला देती थी जहां से भी गुजरती थी वहां से खून बहने लगता था दस से अधिक विशाल आकार के ठग पलक झपकते ही खून से लतपथ अपने अपने तालाबों में गिर गए उन सभी को यह भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है यहां तक कि उनकी मृत्यु तक हो गई जब तक वे जमीन पर गिरे तब तक उनकी आखिरी सांस उनके शरीर से जा चुकी थी चमकदार लाल रक्त ने जमीन के एक बड़े हिस्से को लाल रंग की भड़कीली छाया में बदल दिया दम घुटने वाली बदबू के कारण शरणार्थियों को अपने पेट को पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पेट में हलचल हो रही थी जिससे उन्हें मतली आ रही थी अचानक खून के कई पूलों के बीच केवल वह अत्यधिक अहंकारी सीसा ठग बचा था उसके पैर उसके नीचे से काट दिए गए थे और उसे भी पता नहीं चला था अपने पैरों का सहारा खो देने के कारण वह खून से लतपत अपने ही तालाब में पड़ा करा रहा था उसकी आंखें अपने साथियों के बेजान शरीरों को पूरी तरह से डरावनी दृष्टि से घूर रही थी जो उनके खून के प्रतिबिंब से चमकदार लाल हो गई थी उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे पैरों का एक जोड़ा दिखाई देने लगा जो उसकी नाक की नोक से मात्र आधा इंच की दूरी पर रुक गया अदिति ने ठक की ठुड्डी को ऊपर उठाने के लिए अपने जूते की नोक का इस्तेमाल किया जिससे उसे उसके ठंडे चेहरे को देखने के लिए अपना घातक पीला चेहरा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा यह जगह मेरी है और अगर कोई इस जगह पर कोई अत्याचार करना चाहता है तो मुझे उन्हें नरक की राह पर भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी अदिति की आवाज नरम थी लेकिन उन शब्दों के भीतर की चुभन भरी ठंडक ने उसे उस गर्मी में बेकाबू रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया वे शब्द इतने धीमे स्वर में बोले गए थे लेकिन वे उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गए जिससे उसके खून की हर बूंद की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो गई मुझे बख्श दो मुझे बख्श दो मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा फिर कभी नहीं असहनीय दर्द और पूरी निराशा के कारण थक बेकाबू होकर कांप रहा था वह लेटे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था अपने ही खून के तालाब के भीतर एक लंगड़ा ढेर उसके चेहरे पर पहले के अहंकार का एक टुकड़ा नहीं बल्कि सिर्फ आसन्न मौत का डर बहुत देर हो गई अदिति की आंखों में हत्या की चमक चमक उठी उसके पैर की नोक ने ठग के सिर को बड़ी ताकत से घुमाया एक लात से ठग की गर्दन काट दी महज कुछ ही पलों में हर तरह की नापाक हरकत करने वाले ठगों की सांस थम गई शुरू से अंत तक वे अदिति के खिलाफ जरा भी बचाव नहीं कर पाए अदिति की आंखों के सामने उनका जीवन धूल की तरह हो गया था जिसे एक पल में मिटाया जा सकता था इतना नाजुक और भंगुर की हल्की सी दस्तक भी झेलने में असमर्थ हवा खून की दमघोंटू दुर्गंध से भर गई थी शरणार्थी अपनी आंखों के ठीक सामने मौत देख रहे थे यह पहली बार था कि उनमें से हर कोई बैंगनी आत्मा की जबरदस्त शक्ति को देख रहा था वह अद्वितीय दमनकारी शक्ति जिसे देखकर ही वे सभी कांपने लगे थे यह यहाँ बैंगनी आत्मा है सभी से ऊपर सर्वोच्च शासन करते हुए स्वर्ण पिरामिड के शिखर पर सबसे शक्तिशाली इकाई शरणार्थी चारों ओर इकट्ठे थे एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे लेकिन वे सभी पूरी तरह से चुप थे उनमें से एक भी झलक बाहर नहीं आ रही थी वे जमीन पर पड़े शवों को घूरते रहे और उनकी पीठ पसीने से भीग गई उनकी हड्डियों में अभी भी ठंडक है उनकी आंखों के सामने हुए खूनी नरसंहार का दृश्य अभी भी उनके दिलों को कसकर पकड़े हुए है अदिति ने भड़कीले लाल खून के बीच कदम रखा उसके कदम उसे उस बूढ़ी औरत के पास आने के लिए प्रेरित कर रहे थे जो पहले ही बेहोश हो चुकी थी उसके द्वारा उठाया गया हर कदम जमीन पर एक और चमकदार लाल खूनी पच्चीन छोड़ गया जब जुड़ा हुआ था तो वह मौत की जंजीरों की अभिव्यक्ति जैसा लग रहा था बूढ़ी औरत के ऊपर लेटा हुआ बच्चा इतनी जोर से सिसक रहा था कि उसकी सांसें फूल रही थी उसने अदिति की ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जिनमें डर या बेचैनी की जरा सी भी झलक नहीं दिख रही थी बल्कि वे कृतज्ञता से भरी हुई थी इतने कम उम्र के बच्चों की सोच सबसे शुद्ध और बेदाग होती थी वह केवल यह जानती थी कि उसके सामने वाले बड़े भाई ने उन लोगों को मारने में मदद की थी जिन्होंने उसकी दादी को परेशान किया था और इसलिए वह उनका हितैषी था अदिति उकरू बैठ गई और बुढ़िया की हालत देखी यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है उसने अपनी हथेलियां ताली बजाई और एक कोने से एक छाया बाहर निकल गई उसे यह दवा दो और उसे आराम करने के लिए वापस भेज दो अदिति ने येशा को अमृत की एक बोतल देते हुए कहा ये शाह ने बिना कुछ कहे बोतल ले ली और बुढ़िया को अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर उसे छत के अंदर भेज दिया अदिति उठी हत्या उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी लेकिन उसकी निगाह अभी भी ठंडी थी बर्फ की परत से ढकी हुई थी और धीरे धीरे किनारे पर इकट्ठा हुए स्तब्ध शरणार्थियों के समूह पर घूम रही थी जहां उसने अचानक यह कहने के लिए अपना मुँह खोला आज जो हुआ मैं इसे केवल एक बार ही होने दूंगी मैंने आप सभी को कूड़े का ढेर न रखने के लिए यह जगह उपलब्ध कराई है जो मदद के लिए उंगली उठाए बिना बस खड़े होकर इस तरह की चीजों को होते हुए देख सकेंगे यदि आप में स्वयं भी अपने साथियों की रक्षा करने का साहस नहीं है तो आप में से सभी लोग शरणार्थी शिविर की अपनी झोपड़ी में वापस रेंग सकते हैं यह स्थान ऐसे लालची कायरों का स्वागत नहीं करता शक्तिशाली शत्रु उतने डरावने नहीं थे वास्तव में डरावना तो तब होगा जब किसी के पास उस शत्रु से लड़ने का साहस ही न हो अब तक छतें करीब एक हजार शरणार्थियों को जगह दे रही थी और भले ही वे बुजुर्ग और कमजोर महिलाओं और बच्चों से बने लोग थे अगर उनमें एक साथ एक होकर उठने का साहस होता तो वे दस से अधिक क्रूर ठग नहीं होते उन सभी के खिलाफ एक मौका खड़ा हुआ है करीब एक हजार लोगों की संख्या के साथ यहाँ तक कि उनमें से हर एक ने एक एक पत्थर फेंकने पर भी दसों गुंडों को पत्थरों से मार मार कर मार डाला होगा लेकिन उनमें साहस नहीं था वे चुपचाप एक तरफ़ खड़े रहे क्योंकि वे डर से स्तब्ध हो गए थे यह देखने के लिए कि उनके साथियों के साथ बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा था अदिति ने इस तरह के कायर कायरों से बिल्कुल नफ़रत की इंसान कमज़ोर हो सकता है लेकिन दिल नहीं अदिति की बातें उन सबके दिलों पर बिजली की तरह गिरी वे सभी खड़े होकर रोते हुए बच्चे को देख रहे थे माँ और बच्चे की जोड़ी को एक दूसरे को गले लगाते हुए देख रहे थे जो अभी भी डर से व्याकुल थे मदद के लिए महिला की दिल दहला देने वाली चीख उस पल हर किसी के दिमाग में घूम रही थी अपराध बोध के झरने का पानी उनके भीतर छिपी धूल से ढकी अंतरात्मा को धो रहा था शक्तिशाली अपराध बोध से उनके सिर शर्म से झुक गए उनकी आंखें पछतावे से भर गई आज जब उस दादी को उसके पोते के साथ और माँ और बेटे को धमकाया गया था तो उन सभी ने मदद न करने का फैसला किया था अपने हाथ अपनी बाहों में रखते हुए लेकिन अगर वह दिन आए और उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटे तो वे कितने असहाय और किस तरह की निराशा महसूस करेंगे धन्यवाद धन्यवाद वह महिला जो लगभग ठगों का शिकार बन चुकी थी उसने अपने बच्चे को पकड़ लिया और अदिति को लगातार धन्यवाद देने के लिए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई यदि अदिति ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद वह और उसका बेटा आज यहाँ अपनी जान गवा देते अदिति ने एक बार उन पर नज़र डाली और फिर जाने के लिए मुड़ गई महिला और बच्चे का जोड़ा ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा रहा उठने को तैयार नहीं था जब तक कि अदिति उस मचान इकाई के अंदर नहीं चली गई जो दूसरों से स्वतंत्र थी तभी वह महिला अपने बच्चे को गोद में लिए हुए कापती हुई उठ खड़ी हुई उसकी आंखें नफ़रत से भरी शरणार्थियों की बेहद शांत भीड़ पर रोने से लाल हो गई थी